दोस्तों बात ऐसी है कि जब कभी भी साइन की पावर एन थीटा कोस की पावर एन थीटा हो मल्टीप्लाई में, तो इसकी जो अगर एन ऑड नंबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1/2 की पावर एन और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2 की पावर एन। और अगर एन एक इवन नंबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2 की पावर एन। ये होता है मामला। अब जरा आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है? हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एन इवन नंबर है तो मैक्सिमम तो सेम ही हर केस में, तो ये हो जाएगी 1/2 की पावर 110 और ये रहा आंसर, खत्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।